जिस तरह से पनपते हैं बेटे उसी तरह से पनपती है बेटियां। फिर क्यों मार दिया जाता है इन्हें दुनिया में कदम रखने से पहले। जिस तरह से बढ़ते हैं बेटे उसी तरह से बढ़ती है बेटियां। फिर आजाद नहीं है बेटियां, अगर है आजाद तो सुरक्षित क्यों नहीं बेटियां। कहते हैं बेटा वंश है और बेटी अंश है। कहते हैं बेटा वंश है और बेटी अंश है, फिर क्यों पराई होती है बेटियां। मिल जाता है अगर इन्हें सारा सुख आसानी से, मिल जाता है अगर इन्हें सारा सुख आसानी से, फिर आपके हवाले क्यों होती है बेटियां। बेटे को हर चीज मिल जाती है आसानी से, पर बेटी को मिलती है परेशानी से। ऐ समाज सुधार को जरा गौर करो इस बात से, कौन है ये दरिंदे जो बढ़ने नहीं देते इस अंश को। कहते हैं बेटा आन है तो बेटी शान है। कहते हैं बेटा आन है तो बेटी शान है, फिर इस शान से समाज क्यों परेशान है। बेटियां होती है सिर्फ घर की शोभा। बेटे को कहा जाता है तुम छुओ पहाड़ों की चोटियां। बेटे को कहा जाता है तुम छुओ पहाड़ियों की चोटियां, पर बेटों को पकड़ लेती है इन पैरों की बेड़ियां। पर बेटियों को जकड़ लेती है इन पैरों की बेड़ियां। बेटा बेटी दोनों होते माँ बाप का सहारा। बेटा बेटी दोनों होते माँ बाप का सहारा, पर बेटा ही क्यों है दोनों की आंख का तारा। 18 की उम्र में पढ़ते हैं बेटे और पढ़ने की आग में छिप जाती है बेटियां। होता है ऐसा, होता है ऐसा।